दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी रूके के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहे। अब आगे बात करते हैं जहाँ पे वुमेन विंग्स लीग 2023 का मैच नंबर 55 जो कि खेला जाएगा होवर्ट हुरिकेन्स और एटलांटा टाइगर के बीच में है, जहाँ पे यह लीग स्टेज का सेकंड लास्ट मैच होने वाला है। टूर्नामेंट अब लास्ट स्टेज में आगे बढ़ रही है, टीमें पॉइंट टेबल टॉप 4 पे रहने के लिए ट्राई कर रही है। एटलांटा टाइगर केवल टॉप और एक जीत के साथ टॉप प्लेस फिक्स करना चाहेंगे। वहीं होवर्ट हुरिकेन्स पॉइंट टेबल 5 प्लेस पे है। प्लेऑफ करने के लिए क्वालिफाई करने के लिए यह मैच बिग मार्जिन से उन्हें जीतना होगा ताकि उनका रन रेट इंक्रीज हो सके। यह मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। वहीं अगर एटलांटा टाइगर अब तक 12 मैचों में से 9 मैच जीतकर 3 हार के साथ 18 पॉइंट है, होवर्ट हुरिकेन्स के 13 मैच 6 जीतकर 6 हार के साथ 13 पॉइंट लेकर केवल 5 पोजीशन पे है। अब अगर बात करते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं तो मैच के दिन मौसम साफ रहना रहेगा, बारिश की चांस नहीं है। टेम्परेचर देखें तो 15 से 25 डिग्री के सेल्सियस में बीच रहेगा। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो सिडनी का ट्रैक बॉलर्स के लिए यहाँ थोड़ा सा अच्छा होगा। स्टार्ट में फास्ट बॉलर को हेल्प मिल सकती है, यहाँ बॉल यहाँ पे बाउंस खूब करेगी, बैटर्स को यहाँ पर स्ट्रोक प्लेइंग में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बात करते हैं टॉस रिपोर्ट देखते हैं तो दोनों टीमें टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना चाहेंगे, यहाँ चेस करना बेस्ट होता है। अब आगे बात करते हैं एटलांटा टाइगर का शॉट एनालिसिस करते हैं तो टीम की ओपनर केटी मैक ने टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग की, वह लॉरा वोवाल्ड को भी रन बनाना होगा। टीम का मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, ब्रिजेट पैटरसन, मैकग्राथ और मैडलिन पेन्ना को मिडिल ऑर्डर में पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। जॉर्जिया एडम्स, डेनियल गिब्सन को टीम को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अमांडा जेट वेलिंगटन अपनी हिटिंग एबिलिटी के लिए जानी जाती है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड टीम के लिए बॉलर्स को सूट करेगा। बॉलिंग में अनेंसु मुनानसे और अमांडा जेट वेलिंगटन की जोड़ी मिडिल ऑर्डर में स्कोरिंग रेट को कंट्रोल करना होगा, विकेट लेने का ट्राई करना होगा। टीम को एडामा मैकग्राथ और जेम्बा बार्बी से भी यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। मेगन रूकर्ट ने बहुत अटैकिंग बॉलिंग और गिब्सन के साथ न्यू बॉल से अटैक करके इस गेम में अच्छे स्टार्ट देने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर बात करें ग्रेट स्ट्राइकर की प्लेयर जहाँ पे मैकग्राथ है, कैटी मैक, लॉरा वोवाल्ड है, ब्रिजेट पैटरसन है। बात करते हैं चलते हैं होवर्ट हुरिकेन्स का शॉट एनालिसिस करते हैं तो बैटिंग की ओपनर बैटर्स एलिस विलानी जो कैप्टन है लीजेल के साथ इनिंग की स्टार्ट करेंगे। ली और विलानी दोनों इस सीजन में हुरिकेन के लिए एक फॉर्म में, इस सीजन में 141.23 के स्ट्राइक रेट से 298 रन के साथ होवर्ट के लिए लीडिंग रन स्कोर है। वहीं एलिस विलानी ने 41.28 की एवरेज से 289 रन बनाया है। अब आगे बात करते हैं हुरिकेन के लिए प्रॉब्लम नंबर 3 है, ब्रायोनी स्मिथ इस सीजन में आउट ऑफ फॉर्म में है। इस मैच में हुरिकेन तबाथा सेलिलियो को तीसरे नंबर पर उतार सकता है। वहीं ऑलराउंडर की बात करें तो तौर पर चौथे नंबर पर निकोला कैरी और परफॉर्मेंस एवरेज रहा है। कैरी बैट से 141 रन बनाए जबकि बॉल से 9 विकेट लिए हैं। अगर वहीं बॉलिंग में बात करें तो टीम के लिए एक विकेट लेने का जिम्मेदारी हिदर ग्राम मौली स्टानो पर है। सबनिम इस्तेमाइल को टाइम पर ब्रेक थ्रू दिल आ सकती है। हुरिकेन्स के बॉलिंग यूनिट स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, बॉलिंग अटैक को यहाँ तीनों लीड करेंगे। ग्राम ने 11 इनिंग में 18.62 की एवरेज से 16 विकेट लिए जो हुरिकेन्स की बॉलिंग यूनिट में बेस्ट है। लास्ट दो गेम में अस्ट्रानो ने 4 इकोनॉमिक में 5 विकेट लिए हैं। ग्राम इस मैच में टीम का ट्रम्प कार्ड हो सकती है। अब अगर बात करते हैं चलते हैं होवर्ट हुरिकेन्स का की प्लेयर देखते हैं, एलिस विलानी है, लीजेल ली है, मौली स्ट्रेनो है। जी दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं चलते विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का विनर हो सकता है लेटेस्ट स्ट्राइकर क्योंकि काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, यहाँ पे हुरिकेन्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।